के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एलडीए में हुए घोटाले की जांच करने का अनुरोध किया है। वह इस पर कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करती है, सब लोग जानते हैं, और सरकार उस पत्र के बाद जांच करवा रही है और जहां भी जिसकी उसमें गलती मिलेगी उसके हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गुंडा राज ने भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं के लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर सरकार की नैतिकता है या नहीं है? अगर सवाल उठा है, जांच होनी चाहिए, समयबद्ध रहते कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इस सरकार से उम्मीद नहीं। करोड़ों रुपए लोगों का फर्जी कंपनी को देने वाली सरकार आज किस मुंह से कह रही है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है? क्या यही उत्तर प्रदेश योगी जी बदल रहा है? आम जनता सवाल कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता 22 करोड़ पूछ रही है, योगी जी आपको इतना बड़ा जनमत इसलिए नहीं दिया था कि गरीबों का पैसा, गुंडा, अपराधी, सड़क से लेकर जेल तक आम आदमी सुरक्षित नहीं है? आखिर योगी सरकार है कहाँ? अगर नैतिकता है तो जो पत्र लिखा है उसमें कार्यवाही होनी चाहिए और समयबद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और दोषियों को जेल जाना चाहिए। और कुछ